एल्विश यादव की न्यू मर्सिडीज, सौरव जोशी की न्यू पोर्शे, संजू सेरावत की न्यू जी वैगन, ये कारें न्यू है ही नहीं पहली बात, सेकंड हैंड कार्स हैं। और ये कार्स जितने में इन्होंने खरीदी है उतना तो ये उस कार से पैसा कमा चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यूट्यूबर्स के लिए सुपर कार्स लाइबिलिटी नहीं बल्कि एक असेट है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो जानते हैं सुपर कार्स यूट्यूबर्स के लिए प्रॉफिट कैसे हैं और क्यों सेकंड हैंड कार्स यूट्यूबर्स के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कार्स की डिलीवरी के टाइम पर कार के शोरूम कोई मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे के नहीं होते। वहाँ पर बहुत से लग्जरी ब्रांड्स की कारें होती है, जैसे कि बिग बॉय टॉयज, फ्यूजन कार्स, द ड्रीम टॉयज। यहाँ पर सब सेकंड हैंड कार्स मिलती है। और यहाँ से पहला बेनिफिट यूट्यूबर्स के लिए ये है कि इनको कार्स और भी सस्ती मिल जाती है। कैसे वो मैं बताता हूँ। जब ये डिलीवरी लेने जाते हैं तब शोरूम पर इनके हज़ारों फैंस आते हैं। कार पर शोरूम की नंबर प्लेट भी लगी होती है। कुल मिलाकर शोरूम को अच्छा खासा प्रमोशन मिलता है, इसलिए यूट्यूबर्स को काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब ये सुपर कार लेते हैं तो उसकी वीडियोस पहले से ही आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि सौरव जोशी भाई को ही देख लेते हैं, लैम्बोर्गिनी या पोर्शे कौन सी कार लें, रेड सुपर कार पसंद आ गई, ये कार पसंद आ गई दिल्ली में। और ये कार की डिलीवरी से पहले की वीडियोज़ है। फिर कार की डिलीवरी से लेकर सौरव जोशी 15-20 वीडियोज़ बना देते हैं और इन सारी वीडियोज़ को मिलाकर 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं इनके। उसमें इन्होंने ब्रांड प्रमोशन भी किया होगा और व्लॉगर्स पर मिलियन व्यूज़ के 40,000 रुपये कमा लेते हैं। और अगर ये न्यू पोर्शे 718 बॉक्सर खरीदते तो उसकी एक शोरूम प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए और ये सेकंड हैंड कम से कम 60-80 लाख रुपए की ही है। और इतने रुपए तो इस कार की वीडियोस से इन्होंने कमा ही लिए होंगे। और व्लॉगर सेकंड हैंड कार इसलिए लाते हैं क्योंकि इनको वापस जल्दी ही बेचनी होती है। UK07 राइडर ने नवंबर 2022 में खरीदी थी मस्टैंग को। फिर 3 जून 2023 की वीडियो आती है, फाइनली अपनी ड्रीम सुपरकार मस्टैंग को सोल्ड कर दिया, इमोशनल। और ये कार 8 महीने ही चलाई फिर बेच दी। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं। और हमने शाहरुख खान की रोल्स रॉयस को चुराया है GTA 5 में, वो भी ज़रूर देखना। और हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।